ओम ज्ञानतिरंधस ज्ञानांजनशाया चक्षुरमी येन श्री चैतन्य मनोभिष्टं स्थापितं ये भूतले स्वयं ददाति कदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअद्वगदाधर श्रीवासति गौरभक्तृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण मनुष्य जीवन कितने भी संकटों से दुखों से कष्टों से भरा होगा निश्चित रूप से फिर भी श्री कृष्ण कि हमारे ऊपर जो करुणा है वो कभी भी कम नहीं होती उनका ये निरंतर प्रयास चलते रहता है कि कैसे मेरे प्रिय विय प्रिय जीवों को मेरे अंशों को मेरे प्यारे बालकों को मैं कैसे फिर मेरे पास लेकर आऊं इसलिए हमारे चयन से या हमारे चॉइस से हमने ये जीवन चुना है भगवान को छोड़कर शरीर धारण करके यहाँ पर आना है और स्वतंत्र रूप से भोग लेना है भोगतारम यप मैं ही महेश्वर हूँ मैं ही भोगी हूँ ईश्वरोहम अहम भोगी ये हमारा निर्णय है लेकिन भगवान का निर्णय ये है कि फिर भी आपको बचाना है फिर भी हमको बचाना है इसलिए वो ऐसे सुंदर सुंदर अवसर हमारे लिए निरंतर भेजते रहते हैं वो सुंदर सुंदर अवसर ऐसे हैं कि उसे कहते हैं उत्सव उत्सव यानी जिसमें जीव की उन्नति होती है उनकी ओर उनकी आत्मा की शुद्धि होती है और वो भगवान की चरणों की ओर अग्रसर हो जाते तो वैसे ही ये कालावधि है चतुर्मास का जो भगवान की ओर से हमारे लिए एक भेंट है एक अवसर है कि हम उनके पास पहुंचे और ये समय ऐसे बार बार आते रहते हैं हर दिन में एक बार आता है पंद्रह दिन में एक बार आता है फिर कुछ उत्सवों के रूप में आता है फिर किसी संत के आविर्भाव तिरुभाव दिवस के रूप में आता है फिर किसी भक्त के जन्मदिन के अवसर पर आता है ये सारे अवसर केवल एक ही उद्देश्य से होते हैं कि हम सब फिर एक बार लौट कर अपने प्रिय प्रभु के चरणों में निवास करें उनके आश्रय में रहे उनके प्रेम भरी परिचित्र छाया में रहे तो ये व्रत लेना आवश्यक इसलिए है क्योंकि व्रत यह तो अर्थात इन अवसरों का पूरा लाभ लेने का मार्ग और विशेष बात यह है कि बहुत सारे जीव यहां पर फंसे हुए हैं लेकिन सब लोग व्रत नहीं कर सकते जैसे गाय या कुत्ता बिल्ली पंछी मछली ये सब लोग व्रत नहीं कर सकते व्रत केवल मनुष्य कर सकते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि भगवान की बहुत ज्यादा कृपा मनुष्यों पर है क्योंकि मनुष्य का जीवन भी एक ज्वलंत उदाहरण है जो हमारे लिए एक अवसर है दोबारा भगवान से मिलना बाकी योनि में प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से भगवान से मिलना मुश्किल है किसी भक्त की कृपा हुई किसी भक्त ने महाप्रसाद दिया तो कोई जानवर अपने आप को तार सकता है लेकिन मनुष्य जो है वो प्रत्यक्ष पद्धति से भगवान से जुड़ सकता है और मनुष्य ही केवल ऐसी सुविधा प्राप्त किया हुआ है जिसमें वो व्रत कर सकता है तो व्रत की व्याख्या क्या है स्वेच्छा से स्वीकार की हुई असुविधा जिससे भगवान प्रसन्न होंगे तो तीन प्रमुख अंग है व्रत के स्वेच्छा जबरदस्ती नहीं जो उस इच्छा कर रही है इच्छा हो रही है उस इच्छा के दायरे में हमें व्रत करना है और असुविधा होनी चाहिए आरामदेह व्रत नहीं होता है व्रत में कुछ ना कुछ कष्ट कुछ ना कुछ स्वीकृत ऐसी असुविधा होनी चाहिए और उसका उद्देश्य केवल भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए जब ऐसा हम श्रेष्ठ व्रत करते हैं तो उस व्रत से हम और भगवान के निकट पहुंच जाते हैं और हर एक दिन ऐसे व्रत का हमें भगवान से और अधिक और अधिक निकट पहुंचा देता है इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को बुद्धिमान मानव को ऐसा सुंदर अवसर कभी भी गवाना नहीं चाहिए क्योंकि हमारी एक गलती से एक दोषपूर्ण कार्य से हम यहाँ पर जन्म जन्मांतर तक फंसे हुए हैं उसे निकलने का मार्ग भगवान हमें बार 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 देते रहते हैं और हम लोग उसको तो दुर्लक्ष करते रहते हैं लेकिन संतों की कृपा से हमें इसका अनुभव अनुभूति प्राप्त होती रहती है कि भाई आया हुआ है समय अभी और एक मौका आया हुआ है अभी और एक अवसर संधि प्राप्त हुई है तो चलिए सब मिलकर इस सुंदर अनुकूल वातावरण अनुकूल वातावरण वो जो हमें भगवान की ओर ले जाएगा भगवान के चरणों की ओर प्रवृत्त करेगा ऐसा सुंदर वातावरण आया हुआ है तो हमें विचारपूर्वक संकल्प पूर्वक निश्चयपूर्वक ये व्रत को स्वीकार करना चाहिए और व्रति व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है व्रति व्यक्ति के शरीर में देवता निवास करने का प्रयास करते हैं और व्रति व्यक्ति जो भगवान के लिए ही व्रत करता है भगवान को बड़ा प्रिय हो जाता है और भगवान को फिर अंतिम शाश्वत रूप से मिलने का जो अवसर है वो व्रत करने से प्राप्त होता है तो आइए हम सब मिलकर चतुर्मास का श्रावण अधिक मास का कार्तिक मास का सुंदर व्रत स्वीकार करें विचार पूर्वक उसको लिखें और अमल करें और दूसरों को प्रवृत्त करें क्योंकि भाव बंधन से कष्टों से यातना से जन्म जन्मांतर के श्रृंखला से मुक्त होने का यही सुंदर मार्ग है जिससे भगवान के नाम का जप करने का भी अधिक लाभ प्राप्त होता है सब प्रकार के आध्यात्मिक अनुष्ठान करने का अधिक लाभ इस कालावधि में होता है तो आइए मैं सबके लिए शुभकामना देता हूँ कि सब लोग व्रत लें और अपने जीवन को धन्य करें हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे